हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार टेक्निकल पॉइंट स्टडी पर। जैसा कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि यह आईटीआई सेकंड ईयर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट वन वीडियो है। इससे पहले भी हम थर्ड सेमेस्टर का पार्ट वन वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर वन की, यानी कि विच टाइप्स ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, यानी किस प्रकार की जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टेम्पलेट जिग। तो फ्रेंड टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो जिग में चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम है एंगल प्लेट जिग। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, एंगल प्लेट जिग। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया जिग है फ्रेंड इस जिग का नाम बताना है। तो फ्रेंड जो चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम है टेबल जिग। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि टर्न ओवर जिग। फ्रेंड हम इसे टेबल जिग व टर्न ओवर जिग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, टर्न ओवर जिग। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप, यानी कि चित्र में जो दर्शाए गए क्लैंप है इस क्लैंप का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो चित्र में दर्शाए गए क्लैंप है या हमारा कैम क्लैंप है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, कैम क्लैंप। करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्चर, यानी कि चित्र में जो दर्शाया गया फिक्चर है इस फिक्चर का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो चित्र में दर्शाया गया फिक्चर है या हमारा है मॉडिफायर एंगल प्लेट फिक्चर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, मॉडिफायर एंगल प्लेट फिक्चर। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि विच टाइप्स ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इज सेम लोकेशन, यानी कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा हमारा स्लिप बुश। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइड इन द टर्निंग फिक्चर, यानी टर्निंग फिक्चर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, टू बैलेंस इनरेगुलर वर्कपीस, यानी अनियमित बैलेंसिंग करने के लिए वर्कपीस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो हमारा चित्र में दर्शाया गया जिग है यह हमारा चैनल जिग है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, चैनल जिग। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि विच इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिक्चर, यानी फिक्चर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, मशीनिंग मेथड। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज्ड इन द फिक्चर, यानी कि फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, पोजीशन द फिक्चर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, यानी कि कटर से संबंधित स्थिरता और कम काम की स्थिति। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट्स
लोकेट्स एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन, यानी कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ ही साथ गाइड भी करता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए जिग। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप यूजिन जिग, यानी कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो हमारा चित्र में दर्शाया गया क्लैंप है या टोंगल क्लैंप है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी टोंगल क्लैंप। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाई टू और फोर होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्चर, यानी कि मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में दो या चार होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी फॉर एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग, यानी जॉब सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय में कमी करने के लिए। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो चित्र में दर्शाया गया जिग है इस जिग का नाम हमारा बॉक्स जिग है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए बॉक्स जिग। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि व्हाट इज द मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया हमारा लुब्रिकेशन विधि को दर्शाया गया है या कौन सी विधि है। तो फ्रेंड यह विधि हमारी फोर्स फीड स्नेहक विधि को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। बात करें फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ हॉट होल फॉर रिन्यूएबल बुश, यानी कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी लीनियर बुश। तो फ्रेंड बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि इस वीडियो की जो लास्ट क्वेश्चन है इनकी बात करें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया क्लैंप है यह हमारा कौन सा क्लैंप है। तो फ्रेंड जो हमारा चित्र में दर्शाया हुआ क्लैंप है या हमारा स्क्रू क्लैंप को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा बी होगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड यह आईटीआई सेकेंड ईयर 2020 के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।